विराट कोहली और गौतम गंभीर के बीच हुई लड़ाई जो आज 4 दिन होने वाले हैं, लेकिन अभी भी ये सुर्खियों में बनी हुई है। दरअसल आईपीएल 2023 में 1 मई को लखनऊ सुपर जायंट्स और आरसीबी के बीच मैच खेला गया था। आरसीबी ने मैच 18 रनों से जीता और मैच के बाद विराट और गंभीर के बीच जमकर कहासुनी देखने को मिली। बीसीसीआई ने आईपीएल कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन के चलते दोनों पर भारी जुर्माना भी लगाया। दोनों की मैच फीस की 100% कम रकम जुटाने में जाने की बात की गई। लेकिन यहाँ मजेदार बात यह है कि विराट का जुर्माना उनको भरना ही नहीं पड़ेगा। कौन भरेगा विराट का जुर्माना और क्या गंभीर का जुर्माना उनकी ही पॉकेट से जाएगा? चले समझते हैं यहाँ पर चीजें किस तरह काम करती हैं। दरअसल विराट की सैलरी 15 करोड़ रुपए है जो आरसीबी उन्हें सालाना देती है। आरसीबी को कम से कम 14 मैच तो इस सीजन में खेलने हैं। ऐसे में विराट की एक मैच की सैलरी हो जाती है करीब 1.7 करोड़ रुपए। अगर आरसीबी प्लेऑफ में पहुंचता है तो विराट की मैच फीस और कम हो सकती है। आरसीबी के एक सूत्र ने रिपोर्ट में बताया कि खिलाड़ी अपनी टीम के लिए खेलते हैं और उनके किसी जुर्माने का पैसा टीम भरती है। अब इसका मतलब यह है कि विराट का जुर्माना उनकी नहीं बल्कि आरसीबी की पॉकेट से जाएगा। गंभीर के मामले में भी ऐसा ही देखने को मिल सकता है। गंभीर का हिस्से का जुर्माना एलएसजी भर सकता है। इन दोनों के अलावा एलएसजी के युवा क्रिकेटर नवीन उल हक पर भी मैच फीसदी का 50% जुर्माना लगा था। ऐसे में उनका जुर्माना भी उनकी फ्रेंचाइजी टीम ही भरेगी। बड़ी बात यह है कि विराट कोहली वैसे जुर्माना भर भी दें अगर तो वो एक इंस्टाग्राम पोस्ट से इतना कमा लेते हैं जितना गौतम गंभीर कभी नहीं कमा पाते। हालांकि इस लड़ाई में हर कोई विराट कोहली के अगेंस्ट खड़ा हुआ है, लेकिन अगर आप सही तरीके से देखें तो विराट कोहली के अपोजिट जिस तरीके से पूरी लखनऊ टीम खड़ी हुई थी, ये चौंकाने वाली थी। एएनपी टाइम्स की रिपोर्ट।